हाल ही में अपने विवादित बयानों से चर्चा में आए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हवालात पहुंचवा दिया। उन्हें अब जो है कांग्रेस नेता पटेरिया से मुलाकात करने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जेल पहुंचे। बता दें कुछ दिन पहले पवई में राजा पटेरिया ने एक सभा के दौरान कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हमें मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। इनके इस बयान के बाद जो है देश प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पवई जेल पहुंचकर राजा पटेरिया से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि वह बुंदेलखंड के बहादुर नेता है और आगे उन्होंने कहा कि आजादी का रास्ता भी जेल से होकर निकलता है और राजा पटेरिया बीजेपी के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। राजा पटेरिया बहादुर आदमी है, आजादी का रास्ता जेल के फाटक से निकलता है। राजा पटेरिया भी बुंदेलखंड में अत्याचार अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है, उनको पीड़ित शोषित जनता को न्याय दिलाएंगे और आजाद भारत में आजादी के साथ रहने के लिए हिम्मत बढ़ाएंगे और गोलबंद होकर जनता को करके इस सरकार को 2023 में उखाड़ने का काम करेंगे।